हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल शुरू करते हैं 25 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आई होप आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा होगा जो भी न्यूज़पेपर एनालिसिस हम करते हैं जो भी हम पढ़ाते हैं आपको अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स लाइक ज़रूर किया करिए आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो प्लीज़ डू दैट इसके अलावा जो लोग नए हैं चैनल में प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू तो द चैनल एंड प्रेस द आइकन्स जो भी आपको देख रहे हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस आज के सवालों के साथ जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहला सवाल जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे इवेंट्स लिखे हुए हैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करना है मतलब पहले कौन सा हुआ फिर बाद में कौन सा हुआ इस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है फर्स्ट इज फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर सेकेंड इज फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर देन फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर तो आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑप्शन आपके सामने है वन फोर टू थ्री फोर वन टू थ्री वन फोर थ्री टू या फोर वन थ्री टू तो आपको इसको अरेंज करना है ठीक है ना सेकेंड क्वेश्चन है खेड़ा पीजेंट मूवमेंट वॉज कंसर्न मेनली विथ तो खेड़ा पीजेंट मूवमेंट जो था वो इनमें से किसके साथ कंसर्न करता है एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीलिंग लॉज इन द कच्छ रीजन

ओके लेट मी ओपन दैट अगेन ए इज प्रिजन बी इज फॉरेस्ट एंड इसी में चलो इसी में आप बता दो खुल नहीं रहा थर्ड इज टैक्सेशन एंड फोर्थ इज हेल्थ क्लिनिक्स ठीक है ना खुल गया तो प्रेजेंट फॉरेस्ट टैक्सेशन एंड हेल्थ क्लिनिक्स आपको बताना है इनमें किससे रिलेटेड है अध्यक्ष ठीक है सो so दीज are द थ्री क्वेश्चन फॉर यू टूडे प्लीज डू ट्राई टू आंसर एंड डू शेयर इट among your फ्रेंड्स मैं अब आप आपको आंसर बताता हूँ लेकिन आप अपनी तरफ से अटैम्प्ट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कितने आपने सही किए पहला सवाल हमने पूछा था कि अरेंज करिए तो मैं आपको एक एक करके ईयर बताता जाता हूँ आप देख लीजिएगा तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो आपका सेवनटीन सिक्सटी सिक्स से सेवनटीन सिक्सटी नाइन में लड़ा गया था ठीक है ना दूसरा आपका फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर एटीन ट्वेंटी फोर से एटीन ट्वेंटी सिक्स में लड़ा गया था ठीक है ना थर्ड आपका एंग्लो सिख वॉर लिखा है तो ये एटीन से 1846 के आसपास लड़ा गया था ठीक है ना एंड चौथा आपका लिखा है एंग्लो मराठा वॉर तो ये 1775 से 1782 तक लड़ा गया था अब अरेंज कर लो सबसे पहले एंग्लो मैसूर आएगा वन देन फोर देन टू देन थ्री वन फोर टू थ्री आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है तो जिन्होंने ए किया है वो सही आंसर है ठीक है दूसरा सवाल मैंने पूछा था खेड़ा पीज एंड मूवमेंट का तो इसका आंसर हो जाएगा बी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो टैक्सेस था उनको रिमिट करने के लिए फार्मर्स ने अप्रोच लगाई थी कि भैया फेलियर हो गया क्रॉप हार्वेस्ट का जो जो आपने नियमित किया है टैक्सेशन हम उतना पे नहीं कर पाएंगे तो दैट इज दैट वॉज द रीजन बी विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बी इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कुपिया वॉज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ विशुत्तर फुलंद तो ये एक्चुअली में फॉरेस्ट ऑफिसर को जो उस समय कुपिया अध्यक्ष बोलते थे मॉरिन एंपायर में सॉरी मुगल एम्पायर में तो मॉरन एम्पायर में सॉरी मॉरन एम्पायर में कुप्पी अध्यक्ष जो था वो फॉरेस्ट ऑफिसर था तो इसको फॉरेस्ट ऑफिसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसका आंसर हो जाएगा तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस थ्री क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे आगे मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ मूव करते हैं लेट्स मूव टू द मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे आज का मेन क्वेश्चन ऑफ़ द डे है व्हाट इज सील्ड ज्यूरिस प्रूडेंस वाई सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइजेज इट फ्रॉम टाइम टू टाइम तो आपको पता है सील्ड ज्यूर स्प्रूडेंस क्या है सुप्रीम कोर्ट क्यों इसको क्रिटिसाइज़ करता है टाइम टू टाइम टाइमली बीच बीच में देखा होगा आपने सुप्रीम कोर्ट ने सील्ड ज्यूर के अगेंस्ट अभी चार दिन पहले भी सरकार को झड़प लगाई थी तो आपको रीजन बताना है कि क्या है ये और क्यों ये गलत है ठीक so है ना सो दीज आर द क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर फर्स्ट है ना आई होप आप लोग अपनी तरफ से अटैम्प्ट करेंगे स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू टैकल रशियन ट्रेड हर्डल्स अब एस जयशंकर जी ने क्लियर कर दिया कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है डिसीजंस दे आर मेड इन इंडियन नेशनल इंटरेस्ट एंड आर गाइडेड बाय आर थिंकिंग व्यूज एंड ये देखो तो ये ये जो लाइन लिखी है ना इन्होंने ये मेरे हिसाब से आप रट लीजिए इसको लिख लीजिए आपके आप ऊपर क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा इंडिया की पॉलिसी और ये रशिया और यूक्रेन का इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा कि भैया क्यों हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे में बहुत अच्छी ये चार पाँच लाइनें हैं कि इंडिया की जो फॉरन पॉलिसी है डिसीजनस हैं दे आर मेड इन इंडियन नेशनल इंटरेस्ट एंड आर गाइडेड बाई इट्स थिंकिंग एंड इट्स व्यूज़ एंड इट्स इंटरेस्ट सो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ लिंकिंग द यूक्रेन सिचुएशन टू इशूज ऑफ ट्रेड तो कितना क्लियरली एजयशंकर ने ये लिखा है कि भैया कोई ज़रूरत नहीं किसी दो मैटर्स को जोड़ने की हाँ ह्यूमेनिटेरियन क्राइसिस कोई कहीं हो रही तो हम बिल्कुल उसके उसमें हैं फेवर में है कि वहाँ नहीं होनी चाहिए ह्यूमेनिटेरियन इशूज़ नहीं होने चाहिए ह्यूमेनिज्म फैलना चाहिए लेकिन जो ट्रेड इंटरेस्ट हैं जो हमारे पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो दूसरी तरफ है उनको हम uh, मतलब uh, कसौटी पर रख करके भी काम नहीं कर सकते ना तो देर फॉर दीज लाइन्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट आई होप यू पीपल विल

मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जो आप नोट करके रखिएगा लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में क्वेश्चन आर की टाइमिंग्स में डिफरेंस होता है लोकसभा में जो क्वेश्चन आर होता है वो 11 से 12 के बीच में होता है वहीं राज्यसभा में जो क्वेश्चन आर है वो 12 से 1 के बीच में होता है ना तो कहीं अगर आपको यूपीएससी क्योंकि ये टाइमिंग दो में ही चेंज हुई थी राज्यसभा की राज्यसभा की पहले ग्यारह से बारह ही हुआ करती थी लेकिन दो में ये टाइमिंग बारह से एक कर दी गई थी है ना तो कई कभी अगर आपको इस तरह से टाइमिंग का क्वेश्चन आ गया कि भैया टाइमिंग ग्यारह से बारह होती है दस से ग्यारह होती है है ना बारह से एक होती है तो आप समझ लेना कि राज्यसभा में टाइमिंग बारह से एक है लोकसभा में ग्यारह से बारह है इसके अलावा ये मैंशन कहाँ पर है दूसरा जो टॉपिक यूपीएससी पकड़ेगा वो पकड़ेगा ये मैंशन कहाँ पर जैसे क्वेश्चन आर हो गया ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस में mentioned है रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस में आपका क्वेश्चन आर है तो दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अलावा यहाँ पे तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पहला है आपका स्टार्ट क्वेश्चन सेकंड है अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड थर्ड इज आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन तो स्टार्ट क्वेश्चन हो गया मतलब की जिसमें एस्ट्रिक लगा रहता है ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे एक ओरल आंसर चाहिए रहता है अब ओरल आंसर चाहिए इसलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है ना दूसरा अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन रिटर्न आंसर लगता है और यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जिसमें कि कम से कम आ, विच इज़ आस्ट बाई गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन टेन डेज तो जब दस दिनों से कम में आप एक नोटिस देकर क्वेश्चन पूछते हो तो ये क्या कहलाता है आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ये ओरली ही आंसर होता है दिस इज ऑल्सो आंसर्ड ओरली इसको याद रखिएगा ठीक है ना एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है तो उसको याद रखिएगा और क्वेश्चन आर कहाँ कब कब नहीं होता है देखो अमूमन सारी सिटिंग्स में होगा केवल दो केस हैं जब एक्सेप्शन होता है एक जबकि प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहा हूँ एम पीज़ फ्राम बोथ हाउसेज को व्हेन प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट एड्रेसेस द एम पीज़ फ्राम बोथ हाउसेज तब ये क्वेश्चन आर नहीं होता है और जब प्रेसिडेंट स्पीच टेक्स प्लेस इन द बिगनिंग ऑफ द न्यू लोकसभा एंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ न्यू पार्लियामेंट ईयर तो भी नहीं होता और एक और केस है ऑन द फर्स्ट डे जब ऑन द डे ऑफ फ़िनेंस मिनिस्टर्स द बजट जिस दिन फिनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करता है उस दिन भी क्वेश्चन आर ये नहीं होता तो ये दो तीन केसेस थे जब मैंने आपको बता दिया जब नहीं होता क्वेश्चन आर मैंशन कहा है मैंने बताया ना रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस में जीरो आर वहीं पे जो है जीरो आर जो है जीरो आर एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है ये इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है एंड इट इज़ नॉट मैंशनड इन द पार्लियामेंट्री रूल बुक्स ये पार्लियामेंट की रूल्स बुक्स में भी मैंशनड नहीं है ठीक है ना तो इस टाइम पे क्या होता है एम पीज कैन रेज मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस ये वो टाइम पीरियड है जिसमें एम पीज जो है वो मैटर्स को रेज कर सकते हैं बिना किसी प्रायर नोटिस के एंड जीरो आर स्टार्ट होता है जब क्वेश्चन आर खत्म होता है ठीक है ना तो ये आपको याद रखना जीरो आर तब स्टार्ट होता है जब क्वेश्चन आर खत्म होता है ये इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है दिस इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन ये ऐसे नहीं आप बोलेंगे कि ये संविधान में मैंशन है या आपको पार्लियामेंट्री रूल बुक्स में मिल जाएगा तो वहां आपको नहीं मिलेगा ठीक है ना दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स है ना तो इसको याद रखिएगा आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है यू कैन मूव हैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स आई हैं आज भी सुप्रीम कोर्ट कीन ऑन एंडिंग द मुल्ला पेरियार बैटल तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुल्ला पेरियार की बैटल को ख़त्म करना चाहता है देखो हुआ क्या था सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक कमेटी के बारे में बताया था वो कमेटी जो रहेगी वो क्या करेगी वो इसके मैटर को देख रही थी मुल्ला पेरियार डैम के मैटर को ठीक है ना अब मुल्लापरिया डैम एक बहुत वन ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्ड डैम है इट्स अ वन ट्वेंटी सिक्स ईयर ईयर ओल्ड डैम है ना और इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है ऐसा कहा जाता है किसके द्वारा तमिलनाडु और केरला के द्वारा कहा जाता है ठीक है ना कि भैया बहुत अच्छी हालत में नहीं है मुल्ला मुलापरिया डैम तो इसको बचाने के लिए इट्स अ लाइम एंड मोल्टार स्ट्रक्चर याद रखिएगा इट्स अ लाइम एंड मोलटार स्ट्रक्चर लाइम एंड मोल्टार स्ट्रक्चर ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा एंड ये वैसे कहाँ पर है ये है

हुआ क्या कि अब मान लो जो सुपरवाइजरी कमेटी उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए होंगे किसको स्टेट्स को दिए होंगे सुप्री सुपरवाइजरी कमेटी ने स्टेट्स को रिकमेंडेशन दी लेकिन स्टेट्स सब रिकमेंडेशन मान नहीं रहा है अब जब स्टेट्स रिकमेंडेशन मान नहीं रहा है तो सुपरवाइजरी कमेटी करेगा वो तो एडवाइजरी नेचर की है उसके पास ज़्यादा पावर है नहीं टूथलेस टाइगर टाइप का ही बॉडी है वो भी तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया इट इज़ क्लियर दैट जो सुपरवाइजरी कमिटी है उसको स्ट्रेंदन करने का समय आ गया है इसलिए जो कमिटी है दैट वुड डायरेक्ट द तमिलनाडु एंड केरला टू डू द नेसेसरी नेसेसरी स्टेप्स फॉर द सेफ्टी विद इन अ रीजनेबल टाइम तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि भाई देखो ऐसा है कि अब क्लियर कट बात ये रहेगी कि जो सुपरवाइजरी कमेटी कहेगी वही करना होगा और सुपरवाइजरी कमेटी को ये क्लियर कर दिया है कि भैया आप लोग इनको बताइए और इसके लिए उन्होंने एक्चुअली में एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया है और वो व्यक्ति कौन है वो है आपका जो चीफ सेक्रेटरी द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वुड बी द अकाउंटेबल एंड लाइबल फॉर कंटेम एक्शंस अगर वो सुपरवाइजरी कमेटी के जो रिकमेंडेशन है उनको फॉलो करने में डिले करता है तो वेरी इंपॉर्टेंट चीफ सेक्रेटरी वुड बी दॉडीप्टीफ सेवा जल्दी से जल्द इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी किस तरीके से सुपरवाइजरी कमिटी को स्ट्रेंडन किया जा रहा है और तमिलनाडु ने यह कहा कि भाई इसकी हाइट को बढ़ाया जाए और जो नया डैम है उसको भी बनाया जाए तो हाइट को बढ़ाने को तो आउट ऑफ क्वेश्चन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज़ आउट ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चन हाँ अगर नया डैम बनाना है इसके ऊपर भी सुपरवाइजरी कमेटी जो है वो डिसीजन uh, ले सकती है सुपरवाइजरी कमेटी इज़ पावरफुल इनफ टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम ऑल्सो ठीक है तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दैट दैट थिंग और ये याद रखना कि ये जो मुला मुलापरिया डैम है एक्चुअली में इडुकी डिस्ट्रिक्ट केरला में लोकेटेड है लेकिन उसकी ऑपरेशनल हैंडलिंग है वो तमिलनाडु करता है ठीक है ना तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा है ना तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपको पता रहनी चाहिए आगे है धामी गवर्नमेंट टू फॉर्म पैनल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक पैनल बना लिया है धामी गवर्नमेंट ने और उत्तराखंड में है ये चीफ मिनिस्टर है, है ना याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लेते हैं पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली इट कॉल्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड कुल मिलाकर के देखो नाम से ही क्लियर है यूनिफॉर्म मतलब पूरे इंडिया में एक और सिविल कोड मतलब कि सिविल मैटर्स से जो डील करेगा सिविल मैटर्स कौन कौन से होते हैं आपके दिमाग में सवाल अगर आए तो बता दूँ कि मैरिज हो गया डाइवोर्स हो गया इनहेरिटेंस हो गया एडॉप्शन हो गया ऑल दीज मैटर्स आर सिविल मैटर्स देयरफॉर फोर यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स यूनिफॉर्म लॉज फॉर थ्रू आउट द कंट्री फॉर ऑल द रिलीजन्स फॉर ऑल द कम्यूनिटीज मतलब कि ये सेम लॉज रहेंगे सिविल मैटर्स के जो कि सारी कंट्री में सारे सिविल सिटीजन्स पे लागू होगा इस्पेक्टिव ऑफ़ देर रिलीजन इस्पेक्टिव ऑफ देयर समथिंग है ना जो भी है उसके बेसिस में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा मैरिज डाइवोर्स इनहेरिटेंस एंड अडोप्शन के मैटर्स में सबको बराबरी से ट्रीट किया जाएगा और उनके यूनिफॉर्म जो कोड बनेगा उस लॉ के थ्रू उनको देखा जाएगा ठीक है ना बेसिकली दिस इज ऑलरेडी मेन्शन इन आर्टिकल फोर्टी

डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जब इसको फॉर्मुलेट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टीट्यूशन एनऑल सारी चीज़ें तो उसमें उन्होंने कहा था कि यूसी सी इज़ डिज़ायरेबल उन्होंने खुद कहा था ऐसा नहीं कि कोई हमारी आपकी आज की कही हुई बात है एक्चुअली अब जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे है ना तो उन्होंने उस समय यही चीज़ कही थी कि भैया ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ वेरी डिजायरेबल बट इट शुड बी रिमेन वॉल्टरी लेकिन फॉर द मूवमेंट शुड रिमेन वॉलेंटरी तो कुछ समय तक के लिए उन्होंने वॉल्ट्री रखा था इसीलिए वैसे ये ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका आर्टिकल थर्टी फाइव था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल थर्टी फाइव था बाद में ये डीपीएसपी जो पार्ट फोर है उसका आर्टिकल फोर्टी फोर बना तो याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर जी ने भी ये कहा था कि इट्स वेरी मच डिज़ायरेबल बट फॉर द टाइम बिंग इट शुड रिमेन वॉल्टरी टाइम बिंग इट शुड रिमेन वॉल्टरी तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी मैंने आपको बता दी आई होप यू गॉट क्लैरिटी

एयरपोर्ट या कुछ ऐसा लिख दिया और सामने उसके लिख दिया कि जगह तो पेट एयरपोर्ट कहां पर है हैदराबाद में ये इस तरीके के क्वेश्चन सोचा करो कि अगर आप यूपीएससी होते तो आप क्या क्वेश्चन पूछते है? तो जब आपको अगर मिल जाए कि हाँ कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो मतलब वो टॉपिक में वो क्वेश्चन आ भी सकता है अगर आप बना सकते हो तो यूपीएससी बना सकता है ठीक है ना इसको याद रखना सील्ड जस्टिस अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सील्ड कवर मटेरियल जो आप लाते हो टू एडजोटिकेट द केसिज एन ऑल दैट इज़ नॉट गुड अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन करने से मना कर दिया सील्ड कुछ एनवेअप गवर्नमेंट देख ले के आ रही थी तो वो क्या होता है सील्ड एनवेलफ्स ऐसा नहीं कि मना है इट्स नॉट अ थिंग दैट दैट इज प्रोहिबिटेड बट सुप्रीम कोर्ट इसको अवॉइड करने की कोशिश करती है क्यों ऐसा करती है मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि सील्ड जब जियपिडेंस होता है तो बहुत सारी चीज़ें हाइड की जाती है सेकेंड पार्टी से सेकेंड पार्टी को वो चीज़ पता नहीं चलती है एंड उसी के बेसिस पे पूरा का पूरा जो जजमेंट है वो ले लिया जाता है तो अभी हुआ क्या था आपको पता होगा कि एक एक्शन टेकन रिपोर्ट गवर्नमेंट ने सबमिट की थी अब एक्शन टेकन रिपोर्ट उन्होंने क्या किया कि सील्ड एंडवेल्प में डाल दी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई एक्शन टेकन रिपोर्ट कोई ऐसी चीज़ थोड़ी कि आपने जो काम किया है उसको आप सील्ड एंडवेल्प में क्यों दे रो तो क्या होता है कि जैसे ही गवर्नमेंट कई चीज़ें फिर सील्ड एंडवेल्प में लाने लगती है अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्रोसेस को प्रमोट करेगी तो भाई गवर्नमेंट तो चाहती है कि जो दूसरी बॉडी है अपोजिंग बॉडी है जो जिस जो जो जिसने केस किया है जो भी है या जो भी मैटर है उसके पास कुछ चीज़ें ना जाए लेकिन ये फिर ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी के लिए सही नहीं है ना है ना सुप्रीम कोर्ट किस बेसिस पर डिसीजन ले रही है कोई भी कोर्ट किस बेसिस पर डिसीजन ले रही है अगर वो बेसिस ही सील्ड एनवेलप में है तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग है ना तो ये इसलिए इस तरीके का जो मटेरियल है सील्ड कवर में जो आता है जो केवल जजेस देख सकते हैं दूसरी पार्टीज नहीं देख सकती सो दैट इज़ वेरी मच अवॉइडेबल फॉर दिस रीजन है ना क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट नहीं करता है ओपेकनेस को प्रमोट करता है क्रेडिबिलिटी रिड्यूस करता है और इसमें सेकेंड पार्टी को बेसिकली जिसके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए भाई उसको पता तो होना चाहिए कि किस बेसिस पे डिसीजन लिया जा रहा है है ना वो बेसिस ही नहीं पता है है ना तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट इसीलिए सीरियल जोरिस्टूडेंस को अवॉइड किया जाता है बिकॉज जो बेसिक फिलॉसफी ऑफ जस्टिस है उसके साथ ये सील्ड जोरिस्पूडेंस फिट नहीं बैठता है इस लाइन को लिख लेना जो बेसिक फिलॉसफी ऑफ जस्टिस है फिलॉसफी ऑफ जस्टिस है ना उसके साथ ये फिट नहीं बैठता है डेट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट विद द बेसिक फिलॉसफी ऑफ जस्टिस ठीक है तो दैट इज द रीजन वाई सील्ड जोरिस्पूडेंस इज एवॉडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम जैसे एक्शन टेकन रिपोर्ट इज नो नीड ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट टू बी इन अ सील्ड एनवेलप ना एक्शन टेकन रिपोर्ट मीन्स वॉट ज द स्टेप दैट यू हैव टेकन दीज आर दशनडी टेकन सो वाई शुड यू हाइड द स्टेपी टेकन देव बीन इन द लाइम लाइट है ना वो तो ऑलरेडी लाइम लाइट में होंगे आपने क्या किया तो वाई शुड यू हाइड दैट है ना सो दैट इज़ द थिंग विच इज इम्पोर्टेंट लॉ परमिट करता है मैंने आपको एक और चीज बताई कि लॉ कॉन्फिडेंशियल मैटर पब्लिक मतलब परमिट करता है बट एक्चुअली द दे दे शुड भी कॉन्फिडेंशियल इनफ टू कीप दैम इन प्राइवेट है ना तो Keep, ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपको परमिशन दी कि यू कैन कीप समथिंग इन कीप समथिंग कॉन्फिडेंशियल तो आप हर चीज़ जैसे मैं आपको बोलूं कि भैया आप अपने बैंक डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखो बिल्कुल सही बात है आप अपनी बैंक डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखो लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी एज भी कॉन्फिडेंशियल रख रहे हो सपोज करो आप अपनी एज कॉन्फिडेंस आप अपने पेट का नाम कॉन्फिडेंशियल रख रहे हो आप बोले नहीं कॉन्फिडेंशियल अरे ये कौन सी चीज कॉन्फिडेंशियल है भाई इससे आपका पेट के नाम से कौन सा आपके कुछ हाँ बैंक का पिन कोड आपका कॉन्फिडेंशियल है ना वो आपसे

ऑफ द नीड एंड प्रपोर्शनैलिटी ऑफ इट्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया था प्रपोर्शनैलिटी टेस्ट होता है गवर्नमेंट जब भी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएगा या कुछ भी करता है तो उसका एक प्रपोर्शनैलिटी टेस्ट होता है कि भैया जो चीज़ किया जा रहा है वो जरूर से ज्यादा ना हो ये सारी चीजें तो जो ये ये आपका सील्ड जो रिस्पूडेंस है ना ये गवर्नमेंट को एक स्कोप देता है कि वो प्रपोर्शनैलिटी uh, का क्वेश्चन जो है वो अवॉइड कर सके बिकॉज ऑफ दैट सील्ड एनवेलप है ना तो दैट इज़ अ थिंग वाई दिस इज इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी द पिक्यूलियर केस ऑफ लद्दाख ईस्टर्न बॉर्डर तो अब ये लद्दाख का ईस्टर्न बॉर्डर के बारे में मुकुल सानवाल जी का ये कहना है कि ये जो बॉर्डर रहा है वो आज से नहीं बहुत पहले फ्रॉम टाइम ए मेमोरियल वो इसी तरीके से रहा है एक मूविंग बॉर्डर है रिवर रिवराइन बॉर्डर टाइप की जगह है जो कि वाटर बॉर्डर होने के कारण ये मूव करता है और इसीलिए कोई इंपॉर्टेंट इसमें आज तक कोई फिक्स्ड लाइन नहीं आ पाई है जिसको कि डिसाइड किया जा सके तो वही उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री ऑथर uh, ने जरूर बताई मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जो मेन प्रीमाइज था वो पता होना चाहिए कि जो बॉर्डर है क्यों इंपॉर्टेंट है और इस बॉर्डर को क्यों अभी तक फिक्स नहीं किया जा सका बिकॉज इट्स अ वाटर शेड बॉर्डर वाटर शेड वाले रीजन का बॉर्डर है इसलिए फिक्स नहीं हो पाया बहुत पहले से अलग अलग कामों के लिए यूज होता था जैसे लेह रीजन यूज होता था फॉर द क्रॉस रोड ऑफ हाई एशिया मतलब कि यहाँ पे एक्सचेंज होते थे गुड्स का बाटर सिस्टम के थ्रू लेह रीजन में ठीक है ना इसके बाद साउथ के जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स ग्राउंड दे वर शेयर्ड विद तिब्बत एंड ऑल एंड इसके अलावा अन इहैबिटेड सोडा प्लेन्स एक सोडा प्लेन्स नाम की जगह है जो अन इनहेबिटेड थी टू द ईस्ट एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड स्क्वायर माइल्स एट ए हाइट ऑफ सेवनटीन थाउजेंड फीट नाउ डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना जो सोडा प्लेन्स जो है आज के टाइम में यह डिस्प्यूटेड है लेकिन पहले अन इनहैबिटेड थे दीज आर अन इनहैबिटेड बट टूडे दे आर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना तो ये भी आपको याद रखा सोडा प्लेन्स के बारे में बता रहे हैं ठीक है ना फिर लद्दाख इमर्ज एज अ डिस्टिंग एंटिटी विद द ट्रिटी ऑफ तिमोशैंग तिमोश गैंग याद रखिएगा तिमोस गैंग नाम की ट्रिटी थी जहाँ से लद्दाख एक सेपरेट एंटिटी बनता है सिक्सटीन एट्टी फोर में ठीक है ना कौन सी ट्रिटी है ट्रिटी ऑफ टिमोस गैंग तो ये जो तिमोस गैंग की ट्रीटी है सिक्सटीन एट्टी फोर की याद रखिएगा एक पीस ट्रीटी थी जो कि तिब्बत और लद्दाख के बीच में हुई थी इट वॉज अ पीस ट्रीटी बिटवीन तिब्बत एंड लद्दाख तो यहाँ पे पहली बार लद्दाख इस सेपरेट एंटिटी के रूप में डेस्ट एडेंटिटी के रूप में आया और उसका डिवीज़न प्रॉपर किया गया तिब्बत के साथ कि भाई ये पीसफुली रहेंगे ऐसा ऐसा है है ना दिस वॉज द ट्रीटी ऑफ तिमोसैंग सिक्सटी एट्टी फोर इसके बाद आ, यहाँ पे दिस यहाँ पे देखो लिखा है तिमोस गैंग के बारे में दिस ट्रीटी इस्टैब्लिश इस रिलेशन बिटवीन लेह एंड लासा थ्रू ट्रेड एक्सचेंजेस है ना यहाँ पर ट्रेड एक्सचेंजेस के थ्रू लेह और लाशा के बीच में रिलेशनशिप भी स्ट्रेंदन किया गया इसके अलावा ट्रीटी ऑफ चूसूल थी एटीन में लद्दाख एंड तिब्बत एग्री अग, टू मेंटेन द स्टेटस को जिसमें लद्दाख एंड तिब्बत ने बोला कि ठीक है स्टेटस को मेंटेन रहेगा 1842 की ट्रीटी है ये ट्रीटी ऑफ चूसूल जिसको बोलते हैं ठीक है ना दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो ऑथर ने दिए हैं इसको थोड़ा थोड़ा याद रखेगा मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि मैं था फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है एट्टीन में

तो कुल मिलाकर के ऑथर वही बात बोल रहा है कि जो इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री है लद्दाख वाले रीजन में अभी भी वो ट्रे नहीं हो पाई है चाहे 1959 में दोनों कंट्रीज के एक्सपर्ट हों चाहे 1993 का जो एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्वलिटी रहा हो एग्रीमेंट उन सब से कहीं से भी आज तक ये डिटरमाइन नहीं हो पाया कि बाउंड्री है कहाँ पर और इसी कारण से जो बीच बीच में इशूज आते हैं वो उठते रहते हैं और अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और चाइना मिल करके डिबेट डिस्कशन जैसे भी करके इस जो ये इशू है इसको ट आउट करने की कोशिश करें एक एग्रीएबल बाउंड्री में दोनों कंट्रीज़ के जो इश्यूज हैं या दोनों कंट्रीज़ के जो आ, कहना चाहिए प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हुए एक बाउंड्री डिसाइड करें तब जा कर के कुछ इसका हो सकता है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है है ना तो बोल्ड पोलिटिकल एक स्टेप उठाना पड़ेगा दोनों कंट्रीज़ को और वही है कि डिबेट के थ्रू ही ये चीज़ हो सकती है टाइम फॉर इंडिया टू रिडिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद रशिया इस आर्टिकल की केवल एक दो पॉइंट से मैं आपको बताऊंगा ये आर्टिकल क्या है बेसिकली बाकी हमने सारे को रशिया के ऊपर हम सारा डिबेट कर चुके हैं जो नया पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ऑथर ने नया पॉइंट केवल इतना दिया है कि इस वॉर के बाद रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने वाला है चाइना पे रशिया जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट किस पे हो जाएगा चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएगा और इस कारण से हमको ये चीज़ भी अपने जो रिलेशनशिप या फ्रेंडली रिलेशन की जो मैट्रिक्स है उसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी कि जिस चीज़ के कारण हम रशिया के ऊपर रिलाई कर रहे हैं मतलब कि चूंकि रशिया ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है बट आफ्टर दिस वॉर रशिया इज़ गोइंग टू बी वेरी मच क्लोज़र टू अनदर पावर आफ्टर अमेरिका जो कि है चाइना है ना तो अमेरिका के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी पावर है, उसके तो करीब जाने की कोशिश करेगा रशिया और वो है आपकी चाइना चाइना के ही सपोर्ट में ही रशिया ने यूक्रेन में अटैक भी किया था ये भी आपको पता होना चाहिए दैट इज़ इज़ अ थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसलिए हम जो पहली हिस्ट्री रही है उसको हम बेसिस नहीं बना सकते अपनी पॉलिसी का या उसको का रीजन नहीं बना सकते वी कैन नॉट बी डिसल्यूजन इन दिस आस्पेक्ट देखो बाकी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस की क्यों हमको रशिया के साथ होना चाहिए क्यों हमको रशिया के साथ नहीं होना चाहिए अब जो नए नए पॉइंट्स आते जाएंगे वो बस मैं आपको ऐड करता जाऊंगा उसमें तो आप इस पॉइंट को उसमें ऐड करके लिख लीजिएगा है ना आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं तो इंडिया अपस्टेंड्स एट यू एन जी वोट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया ने जो अभी रिसेंटली फिर से रशिया का रेजोल्यूशन आया था रशिया के ऊपर रेजोल्यूशन आया था ऑन ह्यूमानिटेरियन क्राइसिस इन यूक्रेन तो हमने उस पर फिर से वोट करने से एप्स्टेंड कर दिया है एंड uh, ये सारी चीज़ें दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट ये मैंने आपको ऊपर फर्स्ट पेज में जो चीज़ बताई थी वो ज़रूर याद रखना है ना जैसा मैंने आपको फर्स्ट पेज में बताया था अगली जो न्यूज़ देखो आप लिखे है वन लाख स्टूडेंट्स इन स्टडी टू एस एस क्लास थ्री लिटरेसी लेवल्स आप देखो लगभग एक लाख बच्चे जो हैं वो एक स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें बेसिक लिटरेसी बेसिक लिटरेसी यानी कि रीडिंग बेसिक लिटरेसी यानी कि रीडिंग द पैसेजेस एंड ऑल इसके अलावा बेसिक न्यूमरेसी इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लगभग वन लाख स्टूडेंट्स एक स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें यह देखा जाएगा कि आप कितना बेसिक रीड कर सकते हो इन द इंडियन लैंग्वेजेस एंड कितनी आपकी न्यूमरेसी इससे मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीज़न जो छोटे छोटे होने बेसिक जो एडिशन अपट्रैक्शन मल्टीप्लीस डिवीज़न है वो आप कर सकते हो कि नहीं अब ये स्टडी कर कौन रहा है ये स्टडी कर रहा है एन यानी कि नेशनल काउंसिल मल्टीप्लीकेशन डिविजन कि में uh, in 22 अब देखो क्या होता है कि अभी रिसेंटली असर रिपोर्ट आई थी आपको पता होना चाहिए प्रथम ऑर्गेनाइजेशन करके जो असर रिपोर्ट निकालती है बार बार है ना एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बोलते हैं उनकी रिपोर्ट के हिसाब से क्या वो उन्होंने बताया था कि क्लास थर्ड के बेसिक बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक रीडिंग करते भी नहीं आते और बेसिक सम माइनस प्लस डिवीज़न ये सब भी नहीं आता है इस कारण से अब एन सी आर टी को एक पूरा सर्वे का रूप दे रही है और ये जानना चाहते हैं कि, कि कितना स्किल्स हैं और कितने की और ज़रूरत है ना तो दैट इज थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इसीलिए एक याद रखिएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था जिसका नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशियंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंड एंड न्यूमरेसी मतलब कि नेशनल इनिशिएटिव था फॉर प्रोफिशियंस इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग मतलब पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ उसको समझना प्लस न्यूमरेसी यानी कि निपुण भारत इसका नाम था निपुण भारत तो अगर आपसे कोई पूछता है कि निपुण भारत किसके लिए है तो निपुण भारत एक्चुअली में रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग है न्यूमरेसी के लिए है और ये इंश्योर करता है यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर क्लास थ्री चिल्ड्रेन विद इन फाइव ईयर्स तो पाँच सालों के अंतर्गत जो क्लास थ्री तक के बच्चे हैं उनके अंदर बेसिक रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग आ जाए और बेसिक न्यूमरेसी आ जाए तो इस कारण से ही निपुण भारत जो प्रोग्राम है वो भी लॉन्च किया गया है तो ये निपुण भारत अपने प्रोग्राम को समझ के रखना है इसको याद रखना है ना दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई होप यू गोट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ठीक है ना तो इसको याद रखिएगा आगे मूव करते हैं एक तौर क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना तो यहाँ पे तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं दिख रही मुझे है ना तो ये भी ऐसी नहीं है इंडिया टू बी टी वी फ्री बाय टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव अब यहाँ पर याद रखेगा यहाँ पे इंडिया को एक एम रखा गया है कि टी वी फ्री बनाना है बाय टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव दो हज़ार पच्चीस तक अब ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट आई है इंडिया टी वी रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ये इंडिया टी वी रिपोर्ट है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू है ना रखेगा वर्ल्ड का जो हाइस्ट टी वी बर्डन है वो हमारे इंडिया पे ही है वर्ल्ड का हाईस्ट टी वी बर्डन हमारे इंडिया में ही है द रिपोर्ट सेट डिस्पाइट द डिक्लाइन इन टी वी नोटिफिकेशन ऑब्जर्व अराउंड द मंथ है ना तो यहाँ पे याद रखिएगा नेशनल ट्यूबर क्लोसेस एलिमिनेशन प्रोग्राम है नेशनल ट्यूबर कलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम इंडिया में एक प्रोग्राम चलता है इसको बोलते हैं नेशनल ट्यूबर कलोस एलिमिनेशन प्रोग्राम है एंड लगभग अठारह स्टेट्स हैं जिन्होंने कमिट किया है टू एंड द टी बी बाई टू इंप्लीमेंटिंग स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज प्लान एंड हैव डिवाइज द डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक प्लान मतलब स्टेट्स ने अपना एक स्टेट वाइज प्लान भी बनाया है और एक डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान भी बनाया है अठारह स्टेट्स ने जो कि एम कर रहे हैं टू एंड द टी बी बाई टू ठीक है by, uh, ना और दैट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्यूबर क्लॉसिस ऑब्वियसली आपको पता होगा कि एक बैक्टीरिया के कारण होता है टी एक बैक्टीरिया क्लास कारण होता है है ना uh, uh, ये याद रखेगा और uh, बैक्टीरियम की कारण होता है और दूसरी चीज ये अफेक्ट क्या करता है लंग्स को अफेक्ट करता है टी वी किसको अफेक्ट करता है लंग्स को फिर अफेक्ट करता है फिर खांसी वाँसी दावा को पता ही होगा है ना तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड हम इंडिया इंडिया में इंडिया को ट्यूबर फ्री बनाना चाहते हैं बाई टू तो इसको भी याद रखेगा ठीक है आगे मूव करते देखते कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं कि नहीं यहाँ पे सो uh, so यहाँ पे वही सारी चीज़ें हम रोज पढ़ते हैं ना दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स एंड चाइना इज आर चाइना आर बोल्सरिंग द ट्राइज एंड ऑल सोलोमन आइलैंड्स ने साइन की है डील विद चाइना मैं आपको दिखा देता हूँ एक लोकेशन को सोलोमन आईलैंड बेसिकली एक पैसेफिक नेशन है पैसिफिक आईलैंड है ये आप देख पा रहे होंगे सोलोमन आइलैंड्स को यहाँ पे आपको दिख रहा है ना पैसिफिक कोशन में है ये सोलोमन आइलैंड्स की लोकेशन भी है दिस इज द पार्ट वेयर सोलोमन आइलैंड लाइज एंड इसी के आगे यहाँ पे किरिबाती तुवालू आपको दिख रहा होगा फिजी दिख रहा होगा वनुआतू दिख रहा होगा न्यू कैलिडोनिया दिख रहा होगा है ना तो ये कोरल सी है कोरल सी के जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है आपको मिल जाएगा ठीक है ना तो दीज आर द थिंग्स ये फेडरेशन स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया वाले पार्ट में देखो लाइव भी कर रहा है बताया नाउरू देखें यहाँ पे नाउरू लिखा हुआ है देखो दिस इज नाउरू पोर्शन किरिभा है सोलोमन आईलैंड है तुवालू है ये लोकेशन याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए रिजर्व बैंक अनवील्स हब फॉर इनोवेशन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसने कि एक इनाग्रेट किया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब क्या बोलते हैं इसको रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ये कहाँ पे स्टार्ट किया है बेंगलुरु में स्टार्ट किया है एंड इट इज इंटेंडेड टू इनक्रेज एंड नर्चर द फाइनेंशियल इनोवेशन इन अ सस्टेनेबल मैनर तो इंडिया में फाइनेंशियल इनोवेशन को यानी कि फाइनेंशियल इनोवेशन को एक इंक्रेज करना उसको नर्चर करने का काम जो है वो बैंक का जो इनोवेशन हब है वो करेगा ठीक है ना और एक इंस्टीट्यूशनल इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप इसीलिए किया है ताकि इंडिया का जो फिनेंशियल इन्वायरमेंट है यानी कि जो फाइनेंशियल इनोवेशन है इन्वायरमेंट है ये आगे बढ़ता रहे और इसको इंस्टीट्यूशनल सेटअप के थ्रू नर्चर किया जा सके आर बी आई एच जो आर है यानी कि रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब जो है वो होली ओन सब्सिडी रहेगा किसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होली ओन सब्सिडी रहेगा मतलब हंड्रेड परसेंट ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ओन किया जाएगा और इनिशियल कैपिटल सौ करोड़ का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया हंड्रेड करोड़ का कैपिटल दिया है एंड एस गोपाल कृष्णन इसके चेयरमैन रहेंगे है ना इट इट हैज़ एन इंडिपेंडेंट बोर्ड विद एस गोपाल कृष्णन एज अ चेयरमैन एंड रिजर्व बैंक इन्नोबेशन हब जो है इट एम्स टू क्रिएट एन ईको सिस्टम दैट फोकसेज ऑन प्रमोटिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स फॉर द लो इनकम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री आर बेसिकली ये भी एम करेगा कि जो लो इनकम पॉपुलेशन है कंट्री की उनके पास सारी फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचे और मेक श्योर करें कि लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है फाइनेंशियल सर्विसेज की वो लोगों तक पहुँच सके तो दैट इज थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स आपको सन में आ गया होगा सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू लैट वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब कीप लविंग अस कीप शेयरिंग एस थैंक यू एंड एवे नाइस डे